हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए मैं अर्धवार्षिक का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है विज्ञान विषय का, कक्षा 10वीं का, ये शानदार पेपर है। तो साथियों, आपको जल्दी से यही बता देते हैं, सारे पर्सन के क्वेश्चन आंसर भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। और अर्धवार्षिक का पेपर है जो आपको कक्षा 10वीं का है, जो पक्का 100% एग्ज़ाम में आएगा। साथियों, 100% एग्ज़ाम में आएगा, तो आप इसे ज़रूर तैयार कर ले। साथियों, आपको यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये गुरुजी है साइंस वाले मेरे, तो उन्होंने मेरे को ये सेंड किया है। साइंस के गुरुजी तो पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं साथियों, उन्होंने ये पेपर मेरे को सेंड किया है। साथियों, बिल्कुल ही शानदार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में साथियों इसी पेपर में से पर्सन आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको कंप्लीट वॉच करना है, और उनके सारे के आंसर भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में ज़रूर देखना। आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने भेजा भी है मेरे को, विज्ञान का पेपर है साथियों। तो आपको मैं ये पूरा कंप्लीट PDF बना के वो भी आपको मैं WhatsApp पे सेंड कर दूंगा। इसकी पूरी PDF आपको WhatsApp ग्रुप पे मिलेगी साथियों, WhatsApp ग्रुप पे इसकी पूरी PDF मिलेगी। WhatsApp ग्रुप का लिंक क्या कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आप जाओगे ना, तो WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उससे ऐड हो सकते हो। ऐड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी प्रकार के पेपर उसी WhatsApp ग्रुप में मिलने वाले हैं PDF के साथ। तो PDF के लिए WhatsApp ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से देखते हैं बिना किसी बकवास के सारे प्रश्नों के उत्तर, और मैं PDF बना लेता हूँ। हाँ जी, तो ये आपका विज्ञान का पेपर है साथियों, 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक आपका 70 अंक होने वाला है। तो ये बिल्कुल शानदार पेपर है, तो आप इसे देख सकते हो। तो आपके लिए बता दूं कि सारे प्रश्नों के उत्तर में आपको कमेंट यहाँ पे रिप्लाई करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने साथियों तक, और चलिए देखते हैं आज का पहला। बता दूँ कि इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने साथियों? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब छोटे अभ्यसदा वाले कितने प्रश्न साथियों? 20 प्रश्न है। तो 20 प्रश्न मैं आपको अब बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है साथियों? आर होता है, कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या कितनी आपकी? 15 है। तो फोकस दूरी क्या होगी? तो आपको संबंध बताया भाई, आर बराबर क्या होता है साथियों? 2f होता है। आर बराबर 2f, आर का मान आपको दिया हुआ है 15 है, और 2 का 2 लिख दिया हमने, और f का f लिख दिया। यहाँ पे 2 क्या है? गुणा में है, चला जाएगा भाग में, 15/2। तो f कितनी आ जाएगी साथियों? 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 7.5 हो जाएगी आपकी f, 7.5। लेकिन आपको बता दूं भाई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है साथियों? ऋणात्मक होती है। क्या होती है साथियों? ऋणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर। याद रखना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है साथियों? ऋणात्मक। और उत्तल दिया हो तो धनात्मक होगी, ये वाली धनात्मक होगी। तो आप देख सकते हो, ये वाली धनात्मक होगी, उत्तल दिया हो तो, अवतल दिया हो तो ये वाली ऋणात्मक फोकस दूरी होगी। परीक्षा में हर बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, अवतल दर्पण के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण के चश्मे का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर के लिए उत्तल दर्पण के चश्मे का। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों, प्रिज्म द्वारा अधिक विचलन होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है साथियों। किस रंग का होता है? तो वो होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। इस प्रकार से आपको परीक्षा में करनी है। और आपको पूछ ले भाई, प्रिज्म द्वारा कम विचलन होता है, कम किसका होता है साथियों? लाल का, लाल रंग का कम विचलन होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका परीक्षा में आएगा। आइए देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 4 किस प्रकार से आपको आएगा, किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। आपके घर में TV और LED इंडिकेटर लगा है, तो 7.5 वोल्ट और 100 mA का पर कार्य करती है, तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति ज्ञात करनी है तो शक्ति का आपको फॉर्मूला पता है, P=W/T होता है। तो क्या होता है? P=W/T। ये तो एक फॉर्मूला होता है, P=W/T। ये कार्य और समय के मध्य दिया गया है शक्ति का। और एक आपने पढ़ा भाई, P बराबर VI, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे V का मान कितना है? 0.75 है वोल्टेज, है ना, और I एम्पियर कितनी है? 100 mA। तो भाई 0.75 को गुणा करेंगे 100 से, किससे करेंगे? 100 से। यहाँ पे पॉइंट हटाया तो बटा में कितने जाएंगे? 100, क्योंकि दो संख्या बाद में, दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो कितना बचा? 75 बचा। कितना बचा साथियों? 75। उत्तर कितना हो जाएगा? 75 मेगावाट। आगे देखते हैं भाई, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की करते हैं साथियों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो आपको यही आंसर लिखना है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। बाएं हाथ का मत लिख देना साथियों, ये गलत ऑप्शन है। तो आपको लिखना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। तो आपको बता दें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे बदलता है, विद्युत जनित्र से बदलते हैं। किससे बदलते हैं, जनित्र से। लेकिन यहाँ पे जो चारों ऑप्शन मोटर है, चल कुंडली है, धारामापी है और ट्रांसफार्मर है और डायनेमो है, तो यहाँ पे विद्युत जनित्र नहीं दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं भी साथियों कि विद्युत जनित्र ना डायनेमो सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, डायनेमो। ठीक है, डायनेमो भी आ सकता है, डायनेमो भी आ सकता है, तो आपको सही आंसर क्या लिखना है, डायनेमो। यही परीक्षा में आपको करना है। अगर आपको विद्युत जनित्र दिया हो तो विद्युत जनित्र आपको लिखना है। आगे देखते हैं विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, तो विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं साथियों, एमीटर में करते हैं। विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, एमीटर में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे विद्युत धारा का मापन किसमें करते हैं, एमीटर के द्वारा करते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों, परीक्षा में बार बार आता है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपका। आगे देखते हैं भाई ये कौन सी अभिक्रिया है, मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ा दिया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। आपने अगर हमारे YouTube चैनल पे क्लासेस चल रही है विज्ञान की लगातार, तो उसमें आप ये क्लासेस देख सकते हो, उनके नोट्स भी आपको मिल रहे हैं फ्री के अंदर। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी साथियों, विस्थापन अभिक्रिया, सही आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं भी आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, यह भी प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी भरती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। आलू की जो चिप्स आती है उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरती है, क्योंकि वो खराब नहीं हुई, लंबे समय तक चल पाए। आगे देखते हैं जल में जीवाणु रहित बनने के लिए कौन से पदार्थ हैं। ठीक है, तो भाई जल को जीवाणु रूप अपन को मुक्त करना है, जीवाणु रहित करना है, तो कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, फिटकरी। आपको बता भाई अपने भाई घरों में कुंड वगैरह होती है, ठीक है ना, बोरवेल वगैरह होती है, तो उनमें कौन सा पदार्थ मिलाते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। फिटकरी क्या होती है साथियों, जीवाणु को मुक्त कर देती है ना, तो ये जीवाणु को मुक्त करने के लिए सहायक है फिटकरी। आगे देखते हैं भाई 11वां प्रश्न क्या आपका, फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो साथियों आपको पता है भाई 98% फफोलेदार तांबे में कॉपर की मात्रा होती है, सीधी सी बात है कितनी होती है, 98%। आगे देखते हैं भाई 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अम्लीय यौगिक है। आपको बता भाई अम्लीय यौगिक जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन, और क्षारीय क्या देते हैं, OH- देते हैं जलीय विलयन में। अब यहाँ पे अम्लीय विलयन, अम्लीय प्रकृति का कौन सा है, तो ये क्या है, CH3COOH सिरके का सूत्र है, तो ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। आगे देखते हैं भाई साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सीधा सीधा हमारे नोट्स से प्रश्न आया है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। कौन सी है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, रक्त का थका जमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सोडियम आयन का, सोडियम आयन का। तो भाई सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम आयन है ना, एन ए क्या है, सोडियम आयन है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आपको यही करके आना ऑप्शन, गलत मत कर देना साथियों, आपके सामने पेपर पड़ा है फिर भी आप गलत करते हो तो आपकी बेवकूफ़ी होगी। आइए देखते हैं भाई क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है साथियों, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है। आगे देखते हैं पराग कण किसके अंदर होते हैं, तो पराग कोष के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। इसकी ट्रिक बता दूं भाई, पराग आ गया, पराग से क्या हो गया, पराग, पराग कोष, पराग कण किसमें होते हैं, पराग कोष के अंदर होते हैं। आगे देखते हैं भाई तने पर अपास्थी कलियाँ पाई जाती है, तने के अपास्थी कलियाँ कहाँ पाई जाती है, सभी जगह पर पाई जाती है भाई, पौधे में पाई जाती है, आलू पे भी और बायोफिलम में भी पाई जाती है, तो पुष्प सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, दाएं आलिंद से आता है। कहाँ से आता है साथियों, दाएं आलिंद से आता है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न क्या है आपका, अनुवांशिक लक्षणों के रासायनिक कारक क्या है, तो DNA आपको पता है भाई अनुवांशिक लक्षणों के कारण है, ठीक है, कारक है। आगे देखते हैं भाई निम्न में से मादा जीनोटाइप कौन कौन से साथियों, XX क्या होते हैं, मादा जीनोटाइप होते हैं। तो ये आपके कुछ छोटे वाले प्रश्न थे MCQ वाले, तो ये 20 नंबर के आपके 20 नंबर पक्के हो चुके हैं, तो 20 नंबर की शानदार तैयारी कर सकते हो, इसकी PDF हमारे WhatsApp ग्रुप में मिलेगी, और आगे प्रश्न आप देख सकते हो भाई बड़े वाले प्रश्न। अगर आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश वेग की गणना कितनी। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति के पास वस्तु जो स्पष्ट नहीं देख सकता है, 2 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसके लिए कौन सा लेंस उपयुक्त करना चाहिए। 4 नंबर प्रश्न साथियों, इसे भी आप तैयार कर सकते हो, दिए गए परिवर्तन में धारा प्रवाहित हो रही है, तो भाई प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और ए और बी के विभवांतर ज्ञात करना है। आगे देखते हैं अपना मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों मानव नेत्र का नामांकित चित्र, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना, परीक्षा में बार बार आता है, चित्र बनाने और प्रमुख भागों को समझाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अथवा में भी दिया गया है आपका ये न्यूमेरिकल, आप इसे कर सकते हो। आगे क्या है, क्या होता है जब एक टुकड़ा देखो, 3 आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5वें जिंक धातु कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है, एल्यूमिनियम धातु के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है, सिल्वर धातु का कॉपर सल्फेट विलयन डाला जाता है, तो ये अभिक्रिया आपको समझानी है। आज इतने भी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखनी है, तो ये आपके 5 रासायनिक अभिक्रिया पूछी है, तो इनके समीकरण आपको याद करनी है। आगे देखते हैं इन पर आपको वर्णन करना है साथियों, मैंने आपको 1 पढ़ाया था और उसमें आपको बताया था भाई ऊष्मा छिपी और ऊष्मा
सोचिए बिक्री आपको याद करनी है वो भी यहाँ पे डिटो छपा है साथियों, बिल्कुल 6 नंबर का छप चुका है यहाँ पे। मैंने आपको बताया भाई 6 नंबर आपके पक्के तैयार कराने वाले, 6 नंबर के इसमें छप चुका है। आगे देखते हैं भाई, निम्न में से इन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, योगात्मक और प्रतिस्थापन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था अभी पेपर में क्या आएगा, संयोजन की जगह क्या नाम आएगा, योगात्मक अभिक्रिया आएगा। क्या आएगा? योगात्मक अभिक्रिया। कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया ये क्या है साथियों, संयोजन अभिक्रिया ही है, संयोजन अभिक्रिया ये, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है साथियों? वियोजन अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया था भाई क्या आएगा, प्रतिस्थापन नाम आएगा, तो ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन। अब आ रही है गुरुजी की याद है ना, तो मैंने आपको बताया था भाई इस प्रकार से प्रश्न आता है। आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हो तो जरूर लेना। और आगे देखते हैं भाई, यह रिएक्शन दी गई आपको और कार्य बताने यकृत के, इसके बताने यकृत के वसा में जल घुलनशील, विटामिन डीएनए की प्रकृति बनना, जनन के लिए क्यों आवश्यक है, जीवाश्म क्या है, और ये आपका पूरा पेपर आप देख सकते हो। मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाना साथियों, बिल्कुल लिट्टो छप चुका है यहाँ पे। मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र और पाचन क्रिया का वर्णन करना 6 नंबर का प्रश्न आया है आपका। और मानव मादा जनन तंत्र का चित्र भी आया है और ये आपको समझाना है बिल्कुल। ये प्रश्न साथियों बार बार आता है, मादा जनन का चित्र वाला तो बार बार आता है, तो आप इसे याद कर सकते हो। और साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के पेपर और पीडीएफ पाने के लिए।